Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th biology chapter number 13, sport and movement. In the previous lecture, we have discussed the types of joints. And today, I have 26th lecture video and we will discuss the muscles and movement. Our topic is muscles and movement. Aaj hum discuss karenge muscles and movement ko. Aur hum dekhenge ki muscles ki wajah se movement jo hai wo kis tarah se hoti hai. और आज हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, उसमें जो है वो कुछ पॉइंट्स आएंगे जो कि ओरिजन, इंसर्शन, एंटागोनिज्म, फ्लेक्सर, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंसर और एक्सटेंशन. इसके अलावा हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को डिस्कस करेंगे. और जो ये एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो मसल्स एंड मूवमेंट से रिलेट करती होगी. हम देखेंगे कि मसल्स जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो किस तरह से मूवमेंट होती है, बोन जो है वो मूव करती है. तो जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा लेक्चर है मसल्स एंड मूवमेंट के बारे में. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब बोन जो है वो मूव करती है जॉइंट के ऊपर, तो वो मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, जब एक जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होगी तो इट्स मीन के मूवमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, यानी कि हरकत जो है वो होंगी. यानी कि हमारे पास ये एक बोन है, ठीक है, इस तरह से ये बोन है. ये अगर हमारे पास बोन है, ठीक है, ये क्या है, ये जॉइंट है. यहाँ से जो है ये बोन्स मिल रही हैं, ठीक है. और बोन टू बोन जो होती है अटैचमेंट, ये किसकी वजह से हुई होती है, लिगामेंट्स की वजह से होती है. ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये किसकी वजह से है, लिगामेंट्स की वजह से. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बोन टू बोन जो अटैचमेंट होती है ये लिगामेंट्स की वजह से होती है. और जब इस जॉइंट के ऊपर जो बोन है वो मूव करती है, ठीक है, तो मूवमेंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, यानी कि बाकी जो बोन जो हैं वो मूव करती हैं इस जॉइंट पे जब मूवमेंट जो है वो होती हैं, ठीक है. इस तरह जो मूवमेंट्स होती हैं बोन्स में, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती हैं. जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्केलेटल मसल जो है. आपने मसल्स की टाइप्स को भी पढ़ा होगा, जैसे कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है. तो स्केलेटल मसल जो हैं ये क्या करते हैं कि जब स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर क्या होता है कि ये जो मसल्स की मूवमेंट है इसकी वजह से जो बोन्स है ये मूव करती हैं, ठीक है. जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा कि ये बोन जो है वो मूव करेंगी. अब ये मैंने बता दिया कि अटैचमेंट जो होती है मसल की, सॉरी बोन की, बोन के साथ ये लिगामेंट्स की वजह से होती है. और इसके साथ अगर मसल्स अटैच हों, ठीक है, इसके साथ अगर हम मसल्स को अटैच कर देते हैं इस बोन के साथ, और इसने जिसके ज़रिए जो अटैच हुई होती हैं उसको हम कहते हैं टेंडन्स, ठीक है. जो बोन टू बोन अटैचमेंट है वो लिगामेंट्स की वजह से होती हैं, जो मसल टू बोन होती है ये किसकी वजह से होती हैं, टेंडन्स की वजह से होती हैं, ठीक है. तो जैसे ही हमारे जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसने क्या करना है कि इसने इस बोन को मूव करना है. और ये अटैचमेंट जो है ये टेंडन्स की वजह से होती है, ठीक है. तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स. और इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है. तो हम ना डायग्राम के ज़रिए इसको आज डिस्कस करेंगे, और डायग्राम ही आप जो है उसको अच्छे से समझेंगे और बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक डायग्राम, ये आपकी बुक के पेज नंबर 64 के ऊपर है. और आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके ज़रिए मैकेनिज्म जो मूवमेंट का है वो भी डिस्कस करेंगे. और सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किया था वो था ओरिजिन, ठीक है. अब पहले पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे मूवमेंट का. तो ओरिजिन किसको कहते हैं कि वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन. यानी कि जो एक एंड होता है स्केलेटल मसल का, ये हमारे पास क्या है, ये स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये हमारा आर्म है और आर्म में ये स्केलेटल मसल दिखाई गई है, ठीक है. तो एक एंड जो होता है स्केलेटल मसल का, ये हमेशा जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है. ऐसी बोन जो मूव नहीं कर सकती उसके साथ जो है ये अटैच होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन. अब ओरिजिन किसको कहते हैं कि इसका एक एंड जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच है. अब यहाँ पर देखें कि ये इसका एक एंड है, ठीक है, इस मसल का ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, ठीक है.
इसका वो एंड जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, ये शोल्डर है, ठीक है, और शोल्डर की जो बोन है ये मूव नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या है, ये इमूवेबल बोन है, इसके साथ इसका एक एंड अटैच होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होगा, इस बोन के साथ, ठीक है, जो इमूवेबल है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अदर एंड होता है मसल का, ये अटैच होता है मूवेबल बोन के साथ, इसको हम कहते हैं इंसर्शन, ठीक है। वन एंड जिसकी हमने बात की, ये ओरिजिन था जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच था, और दूसरा जो होता है ये अटैच होता है मूवेबल बोन के साथ जो कि मूव करती है, ठीक है। ये जो बोन है ये मूवेबल है, ये मूव करती है, यहाँ पर जो बोन थी ये मूव नहीं करती, ठीक है। ये ओरिजिन है और ये पॉइंट जो है जो ये है इंसर्शन, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये है इंसर्शन, जिसके साथ जो है वो ये मसल का एक एंड जो है वो अटैच है। तो हम इसके मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात करें, व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स, जब एक नर्व इम्पल्स से एक मसल जो है वो स्टिमुलेट होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। जब इसको कोई नर्व इम्पल्स मिलेगी तो ये मसल जो है ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा, ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा और थिकर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मसल पहले इस तरह था, ये अब जो है शॉर्ट हो गया है और थिक हो गया। इस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये पुल करेगा मूवेबल बोन को एट इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। ये क्या करेगा कि ये जब ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसने क्या करना है कि अपनी तरफ इसने जो है वो पुल करना है, ठीक है, यानी कि इसने अपनी तरफ जो है वो इस मूवेबल बोन को जो है वो पुल करना है, इसके ज़रिए ये जो पार्ट होगा ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इस वजह से इसमें जो है वो मूवमेंट पैदा होगी, यानी कि जब नर्व इम्पल्स आएगी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ से जो है ये बोन जो है वो मूव करेगी और इसकी वजह से ये पार्ट जो है ये मूव करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल जो होते हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं और एंटागोनिस्टिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, थीके? और ये एंटागोनिस्टिक पेयर जो होता है ये ऑपोजिट जॉब्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, मतलब कि अगर एक मसल जो है वो कॉन्टैक्ट हो रहा है और दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स होगा, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं, एक मसल का जो है वो कॉन्टैक्ट होना, दूसरे का जो है वो रिलैक्स होना, एट अ टाइम दोनों कॉन्ट्रैक्ट या दोनों जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकते, एक जो है वो कॉन्टैक्ट होगा दूसरा जो है वो रिलैक्स होगा, और ऐसा फिनोमिना जो है वो उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म, यानी कि इसमें एंटागोनिस्टिक एक्शन हो रहा है जिसमें ऑपोजिट जॉब जो है वो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जब एक मसल जो है वो कॉन्टैक्ट करता है ये क्या करता है, बेंड्स कर देता है जॉइंट को। आप देख सकते हैं कि इस मसल ने क्या किया, ये मसल जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसने क्या किया, इस जॉइंट को बेंड कर दिया, नीचे की तरफ ये बेंड हुआ है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक जॉइंट जो है वो बेंड हो जाएगा इसको हम कहेंगे फ्लेक्सर, और फ्लेक्सर मसल जो है ये होगा और इसको इसकी मूवमेंट जो होगी इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन, क्या कहेंगे, फ्लेक्शन, ठीक है। एक जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके नतीजे में यहाँ पर जो जॉइंट होगा वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, और जब बेंड होगा इसको हम फ्लेक्सर मसल कहेंगे और इसके मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास ये है, इसको हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो और ये स्ट्रेट कर दे जॉइंट को, ठीक है, ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसने क्या किया कि इस जॉइंट को स्ट्रेट कर दिया है। अगर ऐसा हो कि एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो और वो जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो जाए तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंसर मसल, और इसके मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सटेंशन, क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। फिर मैं आपको बता दूं कि एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो और इसकी वजह से जॉइंट जो है वो बेंट हो जाए तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट है, और अगर एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी वजह से जो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो जाए तो उसको हम कहेंगे ये एक्सटेंशन मूवमेंट है, ठीक है। तो इसकी हम एग्जाम्पल एक देखते हैं कि किस तरह से पेयर जो होता है एंटागोनिस्टिकली जो है वो वर्क करता है, इसके एक्शन को हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, हम एक्शन देखते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स का बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के जरिए जो एल्बो पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मसल्स जो हैं वो फ्रंट जो है यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे आर्म के अपर आर्म के जो फ्रंट पे मसल होंगे उसको हम कहेंगे बाइसेप्स, और जो लोअर साइड पर होंगे उसको हम कहेंगे ये ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो फ्रंट पे होंगे वो होंगे बाइसेप्स, और जो बैक आर्म पे होंगे उसको हम कहेंगे ये
ट्राइसेप्स है, ठीक है। बोथ दीज मसल्स हैव द ओरिजिन एट द, जो हमारे पास दोनों मसल्स हैं इसका जो ओरिजिन होता है ये पेक्टोरल गिर्डल होता है, ठीक है। दोनों मसल जो है इसका ओरिजिन क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमूवेबल बोन जहाँ पर होगी इसके साथ अगर ये अटैच होंगे तो इसको हम कहेंगे ये ओरिजिन है। तो दोनों मसल जो है इनका ओरिजिन जो है ये पेक्टोरल गिर्डल है, ठीक है। यानी कि दोनों जो है ये शोल्डर के साथ यहाँ पर जो है वो ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, तो इसको हम कहेंगे ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। इसके अलावा जो इंसर्शन है एट वन ऑफ द एंड्स, अगर हम देखें तो जो इंसर्शन पॉइंट है वो कहाँ पर होता है, ये एक बोन जो है रेडियस होती है, एक अल्ना होती है हमारी आर्म में, ठीक है। तो एक जो होता है वो रेडियस के साथ अटैच है, दूसरा जो है वो फोर आर्म के जो है वो अल्ना के साथ अटैच है, ठीक है। तो जो ओरिजिन पॉइंट है वो पेक्टोरल गिर्डल पे, और जो इंसर्शन पॉइंट है वो जहाँ रेडियस और अल्ना के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जब बाइसेप जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो जो फोर आर्म होता है यानी कि इंसर्शन एंड होता है, ये पुल हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइसेप है जब इसने कॉन्टैक्ट किया है तो यहाँ पर जो फोर आर्म है इसका इंसर्शन पॉइंट है ये ऊपर की तरफ पुल हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले ये इस तरह से था, ठीक है, बाइसेप जो है रिलैक्स थे, जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो ये जो पॉइंट था यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ इसकी जो है वो पुल हो गया, ठीक है। इट इज़ दी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि जब बाइसेप जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा तो फ्लेक्शन होगी एल्बो ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है, ये बेंट हो जाएगा। मैंने पहले बात की थी जब बेंट होगा तो इसको फ्लेक्शन कहेंगे इसके मूवमेंट को, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग फ्लेक्शन ट्राइसेप्स मसल रिलैक्स, जब जो है वो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फ्लेक्शन जब होगी तो आपको ये भी पता है कि ट्राइसेप जो है वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो ट्राइसेप क्या है, यहाँ पर रिलैक्स हैं। अब जब ट्राइसेप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर क्या होगा, आप यहाँ पर देखें, जब ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे बाइसेप जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जो यहाँ पर ज्वाइंट होगा एल्बो ज्वाइंट जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, और वहाँ पर होगी एक्सटेंशन, क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। और फोर आर्म में जो एक्सटेंशन पॉइंट है यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, इंसर्शन पॉइंट जो होगा वो पुल हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये एल्बो ज्वाइंट जो है ये स्ट्रेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुई है, एक्सटेंशन। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्स, जब जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ट्राइसेप्स और जो बाइसेप्स होंगे वो रिलैक्स करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने सीधे खड़े होना है, आपने अपने बाजू को सीधा करना है। आप बाजू को सीधा करेंगे, ठीक है, तो आपका फिर क्या होगा कि जो ट्राइसेप मसल होंगे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जो ट्राइसेप जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाइसेप जो होंगे वो रिलैक्स होंगे। और अगर आपको जो है ऊपर की तरफ आर्म को मूव करते हैं तो फिर आपके जो बाइसेप्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जो ट्राइसेप होंगे वो रिलैक्स होंगे। और आपने एल्बो ज्वाइंट जो है उसको भी आपने अच्छे से देखना है कि किस तरह से इसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप मेक अप एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स। अब एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स है, एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा जो है वो रिलैक्स हो रहा है। इसी तरह से ऐसा वर्क जब एंटागोनिस्टिकली कोई एक्शन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है और स्केल्टन जो है वो मूव करता है। आपको पता है ये मसल्स ही हैं जिन्होंने हमारी जो बोन्स होती हैं एंटागोनिस्टिकली वर्क करके इनको जो है वो मूव करवाना है, और हम इस कैपेबल होंगे कि हम वर्क जो है वो कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है। इसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हुई है आपने इसको अच्छे से जो है वो लर्न करना है, इसको लिख के देखें, इसकी डायग्राम बनाएं। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।